बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए रोज़े अरफा सैयदु साजदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज। तर्जुमा, सब तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। बारे लाहा तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, ए आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले, ए बुजुर्गी व एज़ाज़ वाले, ए पालने वालों के पालने वाले, ए हर परस्तार के माबूद, ए हर मखलूक के खालिक और हर चीज़ के मालिक व वारिस। इसके मिसल कोई चीज़ नहीं है और ना कोई चीज़ इसके इल्म से पोशीदा है। वो हर चीज़ पर हावी और हर शय पर निगरान है। तू ही वो अल्लाह है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जो एक अकेला और यकता व यगाना है। और तू ही वो अल्लाह है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जो बख्शने वाला और इंतहाई बख्शने वाला है, अजमत वाला और इंतहाई अजमत वाला है, और बड़ा और इंतहाई बड़ा है। और तू ही वो अल्लाह है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, जो बुलंद व बरतर और बड़ी कुव्वत व तदबीर वाला है। और तू ही वो अल्लाह है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, जो फैज़ रसां मेहरबान और इल्म व हिकमत वाला है। और तू ही वो माबूद है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जो सुनने वाला देखने वाला कदीम व अजली और हर चीज़ से आगाह है। और तू ही वो माबूद है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जो करीम और सबसे बढ़कर करीम और दायमो जावेद है। और तू ही वो माबूद है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, जो हर शय से पहले और हर शुमार में आने वाली शय के बाद है। और तू ही वो माबूद है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जो कायनात के दस्तरस से बाला होने के बावजूद नज़दीक और नज़दीक होने के बावजूद फहमो इदराक बल से बुलंद है। और तू ही वो माबूद है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, जो जमाल व बुजुर्गी और अजमत व सताइश वाला है। और तू ही वो अल्लाह ताला है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जिसने बग़ैर मवाद के तमाम चीज़ों को पैदा किया और बग़ैर किसी नमूने व मिसाल के सूरतों की नक्श आरई की और बग़ैर किसी की पैरवी किए मौजूदात को खिलत वजूद बख्शा। तू ही वो है जिसने हर चीज़ का एक अंदाज़ा ठहराया है और हर चीज़ को उसके वज़ाइफ़ की अंजामदही पर आमादा किया है और कायनात आलम में से हर चीज़ की तदबीर व कारसाज़ी की है। तू वो है कि आफरीनश आलम में किसी शरीके कार ने तेरा हाथ नहीं बटाया और ना किसी मुआवन ने तेरे काम में तुझे मदद दी है और ना कोई तेरा देखने वाला और ना कोई तेरा मिसल व नज़ीर था। और तूने जो इरादा किया वो हतमी व लाजमी और जो फैसला किया वो अदल के तकाज़ों से ऐन मुताबिक और जो हुक्म दिया वो इंसाफ पर मबनी था। तू वो है जिसे कोई जगह घेरे हुए नहीं है और ना तेरे इक्तदार का कोई इक्तदार मुकाबला कर सकता है और ना तू दलील व बुरहान और किसी चीज़ को वाज़े तौर पर पेश करने से आजिज़ है। तू वो है जिसने एक चीज़ को शुमार कर रखा है और हर चीज़ की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है और हर शय का एक अंदाज़ा ठहरा दिया है। तू वो है कि तेरी ज़ात को समझने से वहम कासिर और तेरी कैफियत को जानने से अक्लें आजिज हैं और तेरी कोई जगह नहीं है कि आंखें उसका खोज लगा सकती। तो तू वो है कि तेरी कोई हद व नहायत नहीं है कि तू महदूद करार पाए और ना तेरा तसव्वुर किया जा सकता है मेरे मालिक, कि तू तसव्वुर की हुई सूरत के साथ जहन में मौजूद हो सके, और ना तेरे कोई औलाद है कि तेरे मुतालिक किसी की औलाद होने का एहतमाल हो। तू वो है कि तेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है कि तुझसे टकराए, और ना तेरा कोई हमसर है कि तुझ पर गालिब आए, और ना तेरा कोई मिसल व नज़ीर है कि तुझसे बराबरी करे। तू वो है कि जिसने खल्क़े कायनात की इब्तिदा की और आलम को ईजाद किया और उसकी बुनियाद कायम की और बग़ैर किसी मादा वासिल के उसे वजूद में लाया और जो बनाया उसे अपनी हुस्ने सनत का नमूना बनाया। तू हर ऐब से मुनज़्ज़ा है, तेरी शान किस कदर बुजुर्ग और तमाम जगहों में तेरा
पाया कितना बुलंद और तेरी हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली किताब किस कदर हक़ को आश्कारा करने वाली है। तू मुनज़्ज़ा है ऐ साहिब लुत्फ़ व एहसान, तू किस कदर लुत्फ़ फरमाने वाला है। ऐ मेहरबान तू किस कदर मेहरबानी करने वाला है। ऐ हिकमत वाले तू कितना जानने वाला है। पाक है तेरी ज़ात ऐ साहिब इक्तदार, तू किस कदर कवी व तवाना है। ऐ करीम तेरा दामन करम कितना वसी है। ऐ बुलंद मर्तबा तेरा मर्तबा कितना बुलंद है। तू हुस्न खूबी शर्फ व बुजुर्गी अजमत व किबरियाई और हमदो सताइश का मालिक है। पाक है तेरी ज़ात तूने भलाइयों के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। तुझ ही से हिदायत का इरफान हासिल हुआ है, लिहाजा जो तुझे दीन या दुनिया के लिए तलब करे तुझे पा लेगा। तू मुनज़्ज़ा पाक है, जो भी तेरे इल्म में है वो तेरे सामने सरनिगूं, और जो कुछ अर्श के नीचे है वो तेरी अजमत के आगे सर बखम, और जुमला मखलूक़ा तेरी अतात का जौवा अपनी गर्दन में डाले हुए है। पाक है तेरी ज़ात कि ना हवास से तुझे जाना जा सकता है, ना तुझे टटोला और छुआ जा सकता है, ना तुझ पर किसी का हीला चल सकता है, ना तुझे दूर किया जा सकता है, ना तुझसे नज़ा हो सकती है, ना मुकाबला, ना तुझसे झगड़ा किया जा सकता है, और ना तुझे धोखा और फरेब दिया जा सकता है। पाक है तेरी ज़ात तेरा रास्ता सीधा और हमवार, तेरा फरमान सरासर हक़ो सवाब, और तू जिंदा व बेनियाज है। पाक है तू तेरी गुफ्तार हिकमत आमेज़, तेरा फैसला कतई और तेरा इरादा हतमी है। पाक है तू न तो कोई तेरी मशीयत को रद्द कर सकता है और न कोई तेरी बातों को बदल सकता है। मालिक पाक है तू ए दरख्शंदा निशानियों वाले, ए आसमानों के खल्क फरमाने वाले और ज़ी रूह चीज़ों के पैदा करने वाले। तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, ऐसी तारीफ़ें जिनकी हमेशगी तेरी हमेशगी से वाबस्ता है, और तेरे ही लिए सताइश है, ऐसी सताइश जो तेरी नेमतों के साथ हमेशा बाकी रहे, और तेरे ही लिए हमदो सना है, ऐसी जो तेरे करम व एहसान के बराबर हो, और तेरे ही लिए हमद है ऐसी जो तेरी रजामंदी से बढ़ जाए, और तेरे ही लिए हमदो सफास है ऐसी जो हर हमद गुजार की हमद पर मुश्तमिल हो, और जिसके मुकाबले में हर शुक्र गुजार का शुक्र पीछे रह जाए। ऐसी हमद जो तेरे अलावा किसी के लिए सजावार न हो और न तेरे सिवा किसी के तकर्रुब का वसीला बने। ऐसी हम्द जो पहली हम्द के दवाम का सबब करार पाए और उसके ज़रिए आखिरी हम्द के दवाम की इल्तिजा की जाए। ऐसी हम्द जो ज़माने की गर्दिशों के साथ बढ़ती जाए और पे दर पे इजाफ़ों से ज़्यादा होती रहे। ऐसी हम्द के निगहबानी करने वाले फरिश्ते उसके शुमार से आजिज़ा जाएं। ऐसी हम्द के जो कातिबाने आमाल ने तेरी किताब में लिख दिया है उससे बढ़ जाए। ऐसी हम्द जो तेरे अर्शे बुजुर्ग के हम वजन और तेरी बुलंद पाया कुर्सी के बराबर हो। ऐसी हम जिसका अजर सवाब तेरी तरफ से कामिल और जिसकी जजा तमाम जजाओं को शामिल हो, और ऐसी हम जिसका जाहिर बातिन से हमनवा और बातिन सिद्क नियत से हम आहंग हो। ऐसी हम्द कि किसी मखलूक ने वैसी तेरी हम्द न की हो और तेरे सिवा कोई उसकी फजीलत व बरतरी से आशना न हो। ऐसी हम्द कि जो उसे बकसरत बजा लाने के लिए कोशां हो, उसे तेरी तरफ से मदद हासिल हो, और जो उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही व बलीग करे उसे तौफीक व ताईद नसीब हो। ऐसी हम्द जो तमाम अकसाम हम्द की जामे हो जिन्हें तू मौजूद कर चुका है, और उन अकसाम को भी शामिल हो जो जिन्हें तू बाद में मौजूद करेगा। ऐसी हम कि उससे बढ़कर कोई हम तेरी मुराद से करीब तर ना हो, और जो शख्स इस तरह की हम करे
उससे बढ़कर कोई हम्द गुजार ना हो, ऐसी हम्द जो तेरे फजल व करम से अपनी फरावानी के बायस अफजाइश नेमत का सबब हो और तू अपने लुत्फ व एहसान से उसके साथ पहम इजाफे का सिलसिला कायम रखे, ऐसी हम्द जो तेरी बुजुर्गी ज़ात के शायां और तेरे शरफ जलाल के हमदोश हो। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम पर सब रहमतों से अफजल व बरतर रहमत नाजिल फरमा। वो मोहम्मद जो बरगुजीदा मुअज्जिज़ व ग्रामी और मुकर्रब हैं और उन पर अपनी कामिल तरीन बरकतों का इजाफा फरमा और अपनी नफरसा रहमतों के साथ उन पर रहम व करम फरमा। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम पर रहमत फरामा नाजिल कर जिससे फरावानी में कोई रहमत न बढ़ सके और उन पर ऐसी बढ़ने वाली रहमत नाजिल फरमा जिससे ज़्यादा कोई रहमत बढ़ने वाली ना हो और उन पर ऐसी पसंदीदा रहमत नाजिल फरमा जिससे बालातर कोई रहमत ना हो। परवरदिगारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जो उन्हें खुशो खुशनूद करे और उनकी खुशनूदी से बढ़ जाए और उन पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कि तू उनके लिए इसके सिवा किसी रहमत को पसंद न करे और उनके अलावा किसी को इस रहमत का सजावार समझे। परवरदिगार मेरे मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कि तेरी जानिब से जिस रजामंदी के वो मुस्तहिक हैं इससे बढ़ जाए और उसका पेवंद तेरे बकाव दवाम से जुड़ा रहे और इसका सिलसिला कहीं ख़त्म ना हो जिस तरह तेरे कलमे ख़त्म ना होंगे। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जो तेरे फरिश्तों नबियों रसूलों और अताअत करने वालों के दुरूद व रहमत को शामिल हो और तेरे बंदों में से जिनों इंसानों और तेरी दावत को कबूल करने वालों के दुरूद व सलाम पर मुश्तमिल हो और तेरी हर किस्म की मखलूकात के जिन्हें तूने खल्क किया और आलम में वजूद में लाया सब की रहमतों पर हावी हो। परवरदिगारा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जो गुज़िश्ता व आइंदा सब रहमतों को मुहित हो। उन पर और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जो तेरे नज़दीक और तेरे अलावा दूसरों के नज़दीक पसंदीदा हो और उन रहमतों के साथ ऐसी रहमतें भेजता रहे कि उनके भेजने के वक्त तू पहली रहमतों को दुगना कर दे और उन्हें ज़माने के गुजरने के साथ साथ दो चंद करके इतना बढ़ाता जाए कि जिन्हें तेरे अलावा कोई शुमार न कर सके। परवरदिगारा उनके अहले बैत अतहार पर रहमत नाजिल फरमा जिन्हें तूने अम्र दीन और शरीयत के लिए मुंतखब फरमाया, अपने इल्म का खजीनादार और अपने दीन का महाफिज और ज़मीन में अपना खलीफा व जानशीन और बंदों पर अपनी हुज्जत बनाया और जिन्हें अपने इरादा अजली से हर किस्म की निजासत व आलूदगी से पाक व साफ रखा और जिन्हें अपने तक पहुँचने का वसीला और जन्नत तक आने का रास्ता करार दिया है। परवरदिगारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जिसके ज़रिए तू उनके लिए अपनी बख्शिश व करामत को फरावां और उनके लिए अता या व इनामात कामिल करे और अपने तहाइफ व मुनाफे में से उन्हें वाफिर हिस्सा बख्शे। परवरदिगारा उन पर और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कि ना उनकी इब्तिदा की कोई मुद्दत ना उस मुद्दत की कोई इंतहा और ना उसका कोई आखिरी किनारा हो। परवरदिगारा उन पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कि तेरे अर्श और जो कुछ ज़ेरे अर्श है सब के हम वज़न हो और इस मकदार में हो कि आसमानों और जो कुछ आसमानों के ऊपर है सबको भर दे और ज़मीनों और जो कुछ ज़मीनों के नीचे और उनके अंदर है उनके शुमार के बराबर हो, ऐसी रहमत जो उन्हें तेरे तकर्रुब की मंजिल आला पर पहुंचा दे और तेरे लिए और उनके लिए सरमाया
خوشنودی ہو اور اپنے ایسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ اور بار الہٰ تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا اور شہروں میں مینار ہدایت بنا کر قائم کیا، جبکہ تو نے اپنے پیمان اطاعت کو اس کے پیمان اطاعت سے وابستہ کر دیا، جسے اپنی رضا خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اطاعت فرض کر دی، جس کی نافرمانی سے ڈرایا، جس کے احکام کی بجا آوری اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت، اہل ایمان کے لیے جائے پناہ، وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ بار الہٰ اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انعام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما، اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر، اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لیے کامیابی و کامرانی کی راہ بآسانی کھول دے، اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما، اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر، اور اپنی نظر توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما، اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اے اللہ تیری طرف سے درود و رحمتوں کی روشوں کو قائم کر، اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے از سر نو زندہ کر دے، اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے، اور جو لوگ تیرے راہ ثواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم، اور جو تیرے راہ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے، اور اسے اپنے دوستوں کے لیے نرم و بردبار قرار دے، اور دشمنوں پر غلبہ و تسلط کے لیے اس کے ہاتھوں کو کھول دے، اور ہمیں اس کی طرف سے رافت و رحمت اور شفقت و مہربانی عطا فرما، اور اس کی بات پر کان دھرنے والا اور اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنے والا اور اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا، اور اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے خدا ان پر تیرا درود و سلام ہو سے تقرب چاہنے والا قرار دے۔ اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبے و مقام کے معترف، ان کے طریق و مسلک کے تابع، ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتہ دین سے وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، ان کی امامت کے پیرو اور ان کے احکام کے فرما بردار، ان کی اطاعت میں سرگرم عمل، ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لیے چشم براہ ہیں۔ ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو، اور ان پر اور ان کے ارواح طیبہ پر سلامتی نازل فرما، اور ان کے کاموں کو صلاح و تقوی کی بنیادوں پر قائم کر، اور ان کے حالات کی اصلاح فرما، اور ان کی توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والوں والا، رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دارالسلام یعنی کہ جنت میں جگہ دے۔ اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم پروردگار، یہ روز عرفہ وہ دن ہے جسے تو نے شرف، عزت اور عظمت بخشی ہے، جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دی اور اپنے عفو و درگزر سے احسان فرمایا، اپنے عطیوں کو فراواں کیا
और उसके वसीले से अपने बंदों पर तफज़ुल फरमाया है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा वो बंदा हूँ जिस पर तूने उसकी खलकत से पहले और खलकत के बाद इनाम व एहसान फरमाया है, इस तरह के इसे उन लोगों में से करार दिया जिन्हें तूने अपने दीन की हिदायत के की और अपने अदाए हक की तौफीक बख्शी, जिनकी अपनी रेसमा के जरिए हिफाजत की, जिन्हें अपनी जमात में दाखिल किया और अपने दोस्तों की दोस्ती और दुश्मनों की दुश्मनी की हिदायत फरमाई है। बई हमा तूने उसे हुक्म दिया तो उसने हुक्म न माना, और मना किया तो वो बाज ना आया, और अपनी मासियत से रोका तो वो तेरे हुक्म के खिलाफ अमरे ममनू का मुर्तकिब हुआ। ये तुझसे अनाद और तेरे मुकाबले में तकब्बुर की रूह से न था, बल्कि ख्वाहिश नफ्स से ने उसे ऐसे कामों की दावत दी जिनसे तू रोक रहा था और तूने डराया था, और तेरे दुश्मन और उसके दुश्मन यानी शैतान मलऊन ने उन कामों में उसकी मदद की। चुनाचे उसने तेरी धमकी से आगाह होने के बावजूद तेरे अफ़ दरगुजर की उम्मीद करते हुए और तेरे दरगुजर पर भरोसा रखते हुए गुनाह की तरफ इकदाम किया, हालांकि इन एहसानात की वजह से कि जो तूने उस पर किए थे तमाम बंदों में वो उसका सजावार था कि ऐसा ना करता। अच्छा, फिर मैं तेरे सामने खड़ा हूँ बिल्कुल ख्वार व जलील, सरापा इज्ज़ो नियाज़ और लर्जा व तरसा उन अजीम गुनाहों का जिनका बोझ अपने सर पर उठाया है और उन बड़ी खताओं का जिनका इर्तकाब किया है। एतराफ करता हुआ तेरे दामन अफ़ उधर गुजर में पनाह चाहता हूँ और पनाह चाहता हुआ तेरी रहमत का सहारा ढूंढता हुआ और ये यकीन रखता हुआ कि कोई पनाह देने वाला तेरे अजाब से मुझे पनाह नहीं दे सकता और कोई बचाने वाला तेरे अजाब से मुझे बचा नहीं सकता। लिहाजा इस एतराफ़ गुनाह व इजहार निदामत के बाद तू मेरी पर्दापोशी फरमा जिस तरह गुनाहगारों की पर्दापोशी फरमाता है, और मुझे माफ़ी अता कर के जिस तरह उन लोगों को माफ़ी अता करता है कि जिन्होंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया हो, और मुझ पर उस बख्शिश व आमर्ज़िश के साथ एहसान फरमा और मेरे लिए आज के दिन ऐसा हज़ो नसीब करार दे कि जिसके ज़रिए तेरी रजामंदी का कुछ हिस्सा पा सकूँ, और तेरे इबादत गुजार बंदे जो अजर सवाब के तहाइफ लेकर पलटते हैं मुझे उनसे खाली हाथ न फेर, अगरचे वो नेक आमाल जो उन्होंने आगे भेजे हैं मैंने आगे नहीं भेजे, लेकिन मैंने तेरी वहदत व यकताई का अकीदा और ये कि तेरा कोई हरीफ शरीक कार और मिसलो नज़ीर नहीं है ये पेश किया है, और इन्हीं दरवाज़ों से कि जिन दरवाज़ों से तूने आने का हुक्म दिया है मैं आया हूँ, और ऐसी चीज़ के ज़रिए जिसके बग़ैर कोई तुझसे तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता तकर्रुब चाहा है, फिर तेरी तरफ रुजू व बाज़गश्त, तेरी बारगाह में तज़ल्लुल व आजज़ी और तुझसे नेक गुमान और तेरी रहमत पर एतमाद को तलब तकर्रुब के हमराह रखा है, और उसके साथ ऐसी उम्मीद का ज़मीमा भी लगा दिया है जिसके होते हुए तुझसे उम्मीद रखने वाला महरूम नहीं रहता, और तुझसे ही इसी तरह सवाल किया है कि जिस तरह कोई बेकदर जलील शिकस्ता हाल तही दस्त खौफ सदा और तलबगार पनाह का सवाल करता है, और उस हालत के बावजूद मेरा ये सवाल खौफ इज्ज़ो नियाज़ बंदी पनाह तलबी और अमान ख्वाही की रूह से है, ना मुतकब्बरों के तकब्बुर के साथ बरतरी जतलाते ना अतात गुजारों के अपनी इबादत पर फख्र व एतमाद की बिना पर इतराते और न सिफारिश करने वालों की सिफारिश पर सरबुलंदी दिखाते हुए, और मैं इस एतराफ़ के साथ तमाम कमतरों से कमतर ख्वार व जलील लोगों से जलील तर और एक चींटी के मानिंद बल्कि इससे भी पस्त तर हूँ। ऐ वो जो गुनाहगारों पर अजाब करने में जल्दी नहीं करता और ना सरकशों को अपनी नेमतों से रोकता है, ऐ वो जो लग्जिश करने वालों से दरगुजर फरमाकर एहसान करता है और गुनाहगारों को मोहलत देकर तफज़ुल फरमाता है, मैं वो हूँ जो गुनाहगार गुनाह का मोतरफ खताकार और लग्जिश करने वाला हूँ, मैं वो हूँ जिसने तेरे मुकाबले में जुर्रत से काम लेते हुए
पेश कदमी की। मैं वो हूँ जिसने दीदे दानिस्ता गुनाह किए, मैं वो हूँ जिसने अपने गुनाहों को तेरे बंदों से छुपाया और तेरे सामने खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। मैं वो हूँ जो तेरे बंदों से डरता रहा और तुझसे बेखौफ रहा। मैं वो हूँ जो तेरी हैबत से हिरासा और तेरे अजाब से खौफजदा ना हुआ। मैं खुद ही अपने हक में मुजरिम और बलाव मुसीबत के हाथों में गिरवी हूँ। मैं ही शर्मोहया से आरी और तवील रंज व तकलीफ में मुबतला हूँ। मैं तुझे उसके हक का वास्ता देता हूँ जिसे तूने मखलूकात में से मुंतखब किया, उसके हक का वास्ता देता हूँ जिसे तूने अपने लिए पसंद फरमाया, उसके हक का वास्ता देता हूँ जिसे तूने कायनात में से बरगुजीदा किया और जिसे अपने अहकाम की तबलीग के लिए चुन लिया, उसके हक का वास्ता देता हूँ जिसकी अतात को अपनी अतात से मिला दिया और जिसकी नाफरमानी को अपनी नाफरमानी के मानिंद करार दिया, उसके हक का वास्ता देता हूँ जिससे मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से मकरून और जिसकी दुश्मनी को अपनी दुश्मनी से वाबस्ता किया है। और आज के दिन इस दामन रहमत में ढांप ले जिससे ऐसे शख्स को ढांपता है जो गुनाहों से दस्त बरदार होकर तुझसे नाला फरियाद करे और तायब होकर तेरे दामन मगफरत में पनाह चाहे, और जिस तरह अपने अतात गुजारों और कुर्बो मंजिलत वालों की सरपरस्ती फरमाता है इसी तरह मेरी सरपरस्ती फरमा, और जिस तरह उन लोगों पर जिन्होंने तेरे अहद को पूरा किया तेरी खातिर अपने को तासुब व मुशक्क़त में डाला और तेरी रजामंदियों के लिए सख्तियों को झेला, खुद तने तनहा एहसान करता है, इस तरह मुझ पर भी तने तनहा एहसान फरमा और तेरे हक में कोताही करने, तेरे हुदूद से मुतजावज होने और तेरे अहकाम के पसे पुश्त डालने पर मेरा मुआखजा न कर, और मुझे उस शख्स के मोहलत देने की तरह मोहलत देकर रफ्ता रफ्ता अपने अजाब का मुस्तहिक न बना जिसने अपनी भलाई को मुझसे रोक लिया और समझता यह है कि बस वही नेमत का देने वाला है, यहाँ तक कि तुझे भी उन नेमतों के देने में शरीक न समझा हो। मुझे गफलत शारों की नींद, बेराहरों के ख्वाब और हरमा नसीबों की गफलत से होशियार कर दे मालिक, और मेरे दिल को उस राह अमल पर लगा जिस पर तूने अतात गुजारों को लगाया है और उस इबादत की तरफ मायल फरमा जो इबादत गुजारों से तूने चाही है, और उन चीजों की हिदायत कर जिनके वसीले से सहल अंगारों को रिहाई बख्शी है, और जो बातें तेरी बारगाह से दूर कर दें और मेरे और तेरे हाँ के खतो नसीब के दरमियान हायल और तेरे हाँ के मकसद मुराद से माने हो जाएं, उनसे महफूज रख और नेकियों की राह पैमाई और उनकी तरफ सबकत जिस तरह तूने हुक्म दिया है और उनकी बढ़ चढ़ कर ख्वाहिश जैसा कि तूने चाहा है मेरे लिए सहल व आसान कर, और अपने अजाब वईद को सुबुक समझने वालों के साथ के जिन्हें तू तबाह करेगा मुझे तबाह न करना और जिन्हें दुश्मनी पर आमादा होने की वजह से हलाक करेगा उनके साथ मुझे हलाक न करना, और अपनी सीधी राहों से इन्हराफ करने वालों के जुमरे में के जिन्हें तू बर्बाद करेगा मुझे बर्बाद न करना, और फितना फसाद के भंवर से मुझे निजात दे और बला के मुंह से छुड़ा ले और जमाने मोहलत की बदामालियों पर गिरफ्त से पनाह दे, और उस दुश्मन के दरमियान जो मुझे बहकाए और उस ख्वाहिश नफ्स के दरमियान जो मुझे तबाह बर्बाद करे और उस नुक्स व ऐब के दरमियान जो मुझे घेर ले हायल हो जा, और जैसे उस शख्स से कि जिस पर गजबनाक होने के बाद तू राजी ना हो रुख फेर लेता है, इसी तरह मुझसे रुख न फेर और जो उम्मीदें तेरे दामन से वाबस्ता किए हुए हों उनमें मुझे बेआस न कर कि तेरी रहमत से यास व नाउमीदी मुझ पर गालिब आ जाए, और मुझे इतनी नेमतें भी न बख्श कि जिनके उठाने की मैं ताकत नहीं रखता कि तू फरावानी मोहब्बत से मुझ पर वो बार ला दे जो मुझे गरांबार कर दे,
और मुझे इस तरह अपने हाथ से न छोड़ दे जिस तरह उसे छोड़ देता है जिसमें कोई भलाई ना हो और न तुझे उससे कोई मतलब हो और न उसके लिए तौबा व बाज़गश्त हो, और मुझे इस तरह न फेंक दे जिस तरह उसे फेंक देता है जो तेरी नज़र तवज्जो से गिर चुका हो और तेरी तरफ से ज़िल्लत व रुसवाई उस पर छाई हुई हो, बल्कि गिरने वालों के गिरने से और कजरवों के खौफ व हिरास से और फरेब खुर्दा लोगों के लफ्जिश खाने से और हलाक होने वालों के वर्ताए हलाकत में गिरने से मेरा हाथ थाम ले और अपने बंदों और कनीजों के मुख्तलिफ तबकों को जिन चीज़ों में मुब्तला किया है उनसे मुझे आफियत व सलामती बख्श, और जिन्हें तूने मुर्द इनायत करार दिया, जिन्हें नेमतें अता की, जिनसे राजी व खुशनूद हुआ, जिन्हें काबिल सताइश जिंदगी बख्शी और सआदत व कामरानी के साथ मौत दी, उनके मरातब व दर्जात पर मुझे फ़ाइज कर। वो चीज़ें जो नेकियों को महव और बरकतों को ज़ाहिल कर दें उनसे किनारा कशी इस तरह मेरे लिए लाजिम कर दे कि जिस तरह गर्दन में पड़ा हुआ तौक और बुरे गुनाहों और रुस्वा करने वाली मासियतों से अलहदगी व नफ़रत को मेरे दिल के लिए इस तरह ज़रूरी करार दे जिस तरह बदन से चिमटा हुआ लिबास, और मुझे दुनिया में मसरूफ करके कि जिसे तेरी मदद के बगैर हासिल नहीं कर सकता उन आमाल से कि जिनके अलावा तुझे कोई और चीज़ मुझसे खुश नहीं कर सकती रोक न दे, और इस बस दुनिया की मोहब्बत के जो तेरे हाँ की सआदत अबदी की तरफ मुतवज्जो होने से माने और तेरी तरफ वसीला तलब करने से सिद्ध राह और तेरा तकर्रुब हासिल करने से गाफिल करने वाली है मेरे दिल से निकाल दे, और मुझे वो मलका व असमत अता फरमा जो मुझे तेरे खौफ से करीब इर्तकाब महरमात से अलग और कबीरा गुनाहों के बंधनों से रिहा कर दे, और मुझे गुनाहों की आलूदगी से पाकीज़गी अता फरमा और मासियत की कसाफतों को मुझसे दूर कर दे और अपनी आफियत का जामा मुझे पहना दे और अपनी सलामती की चादर उड़ा दे और अपनी वसी नेमतों से मुझे ढांप ले और मेरे लिए अपने अताया व इनामात का सिलसिला पहम जारी रख और अपनी तौफीक व राह हक की रहनुमाई से मुझे तौफीक दे और पाकीज़ा नियत पसंदीदा गुफ्तार और शाइस्ता किरदार के सिलसिले में मेरी मदद फरमा और अपनी कुव्वत व ताकत के बजाय मुझे मेरी कुव्वत व ताकत के हवाले न कर, और जिस दिन मुझे अपनी मुलाकात के लिए उठाए मुझे जलील व ख्वार और अपने दोस्तों के सामने रुसवा न करना और अपनी याद मेरे दिल से फरामोश न होने दे और अपना शुक्र व सपास मुझसे ज़ाइल न कर, बल्कि जब तेरी नेमतों से बेखबर सहव व गफलत के आलम में हूँ मेरे लिए अदाए शुक्र लाजिम करार दे और मेरे दिल में ये बात डाल दे कि जो नेमतें तूने बख्शी हैं उन पर हमद व तौसीफ़ और जो एहसानात मुझ पर किए हैं उनका एतराफ़ करूँ और अपनी तरफ मेरी तवज्जो को तमाम तवज्जो करने वालों से बालातर और मेरी हमद सराई को तमाम हम करने वालों से बुलंदतर करार दे, और जब मुझे तेरी एहतियाज हो तो मुझे अपनी नुसरत से महरूम न करना और जिन आमाल को तेरी बारगाह में पेश किया है उनको मेरे लिए वजह हलाकत न करार देना, और जिस अमल व किरदार के पेश नज़र तूने अपने नाफरमानों को धुतकारा है यूँ मुझे अपनी बारगाह से धुतकार न देना, इसलिए कि मैं तेरा मुतीओ फरमा बरदार हूँ और ये जानता हूँ कि हुज्जत व बुरहान तेरे ही लिए है और तू फजल व बख्शिश का ज़्यादा सजावार और लुत्फ व एहसान के साथ फ़ायदा रसा और इस लायक है कि तुझसे डरा जाए और इसका अहल है कि मग़फ़िरत से काम ले और इसका ज़्यादा सजावार है कि सज़ा देने के बजाय मुआफ़ कर दे और तशहीर करने के बजाय पर्दापोशी तेरी रविश से करीब तर है, तो फिर मुझे ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी दे जो मेरे हस्ब दिल ख्वाह उमूर पर मुश्तमिल और मेरी दिल पसंद चीज़ों पर मुंतही हो, इस तरह के जिस काम को तू नापसंद करे उसे बजा ना लाऊं और जिससे मना करे उसका इर्तकाब ना करूं, और मुझे उस शख्स किसी मौत दे जिसका नूर उसके आगे और उसकी दाहनी तरफ चलता हो और मुझे अपनी बारगाह में आजिज व निगुसार और लोगों के नज़दीक बावकार बना दे, और जब
तखलिये में तुझसे राजो न्याज करूं तो मुझे पस्तो सरफ गंदा और अपने बंदों में बुलंद मर्तबा करार दे, और जो मुझसे बेनियाज हो उससे मुझे बेनियाज कर दे, और मेरे फुक्र एहतियाज को अपनी तरफ बढ़ा दे, और दुश्मनों के खंदा जेरे लब बलाओं के वरूद और जिल्लत व सख्ती से पनाह दे, और मेरे उन गुनाहों के बारे में के जिन पर तू मुत्तला है उस शख्स के माने मेरी पर्दा पोशी फरमा के अगर उसका हुक्म माने ना होता तो वो सख्त गिरफ्त पर कादिर होता, और अगर उसकी रविश में नरमी ना होती तो वो गुनाहों पर मुआखजा करता, और जब किसी जमात को तू मुसीबत में गिरफ्तार या बलाओ नकबत से दो चार करना चाहे तो दर सूरत ये कि मैं तुझसे पनाह तलब हूँ इस मुसीबत से निजात दे, और जबकि तूने मुझे दुनिया में रुसवाई के मौकफ में खड़ा नहीं किया तो इसी तरह आखिरत में भी रुसवाई के मकाम पर खड़ा न करना, और मेरे लिए दुनियावी नेमतों को उखरवी नेमतों से और कदीम फ़ायदों को जदीद फ़ायदों से मिला दे, और मुझे इतनी मोहलत न दे कि इसके नतीजे में मेरा दिल सख्त हो जाए, और ऐसी मुसीबत में मुबतला न कर के जिससे मेरी इज्जत व आबरू जाती रहे, और ऐसी जिल्लत से दो चार न कर के जिससे मेरी कदर मंजिलत कम हो जाए, और ऐसे ऐब में गिरफ्तार न कर के जिससे मेरा मर्तबा व मकाम जाना न जा सके, और मुझे इतना खौफ जदा न कर कि मैं मायूस हो जाऊं और ऐसा खौफ न दिला के हिरासा हो जाऊं, मेरे खौफ को अपनी वईद व सरजनिश में और मेरे अंदेशे को तेरे उज्र तमाम करने और डराने पर मैं मुनहसर कर दे, और मेरे खौफ व हिरास को आयात कुरानी की तिलावत के वक्त करार दे, और मुझे अपनी इबादत के लिए बेदार रखने खिलवत व तन्हाई में दुआ व मुनाजात के लिए मुनाजात के लिए जागने सबसे अलग रहकर तुझसे लौ लगाने तेरे सामने अपनी हाजतें पेश करने दोजख से गुलू खलासी के लिए बार बार इल्तिजा करने और तेरे उस अजाब से जिसमें अहले दोजख गिरफ्तार हैं पनाह मांगने के वसीले से मेरी रातों को आबाद कर और मुझे सरकशी में सरगर्दां छोड़ न दे और न गफलत में एक खास वक्त तक गाफिलो बेखबर पड़ा रहने दे और मुझे नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत और देखने वालों के लिए फितना व गुमराही का सबब न करार दे और मुझे उन लोगों में जिनसे तू उनके मकर की पादाश में मकर करेगा शुमार न कर और इनाम व बख्शिश के लिए मेरे इवज दूसरे को इंतखाब न कर मेरे नाम में तगैयुर और जिस्म में तब्दीली ना फरमा और मुझे मखलूकात के लिए मजहका और अपनी बारगाह में लायक इस्तेहजा न करार दे मुझे सिर्फ उन चीज़ों का पाबंद बना जिनसे तेरी रजामंदी वाबस्ता है मालिक और सिर्फ़ उस ज़हमत से दोचार कर जो तेरे दुश्मनों से इंतकाम लेने के सिलसिले में हो और अपने अफ़ो दरगुज़र की लज्जत और रहमत राहत व आसाइश कल व रेहान और जन्नत नईम की शीरीनी से आशना करा और अपनी वसत व तवंगरी की बदौलत ऐसी फरागत से दुरुशनास कर दे कि जिसमें तेरे पसंदीदा कामों को बजा ला सकूं और ऐसी सही और कोशिश की तौफीक दे जो तेरी बारगाह में तकर्रुब का बायस हो और अपने तोहफों में से मुझे नित नया तोहफा दे और मेरी उखरवी तजारत को नफा बख्श और मेरी बाजगश्त को बेजरर करार दे और मुझे अपने मकाम व मौक़िफ़ से डरा और अपनी मुलाकात का मुश्ताक बना और ऐसी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा कि जिसके साथ मेरे छोटे और बड़े गुनाहों को बाकी ना रखे और खुली और ढकी मासियतों को महव कर दे और अहले ईमान की तरफ से मेरे दिल से कीना और बुख्स को निकाल दे और इनकसार व फरूतनी करने वालों पर मेरे दिल को मेहरबान बना दे और मेरे लिए तू ऐसा हो जा जैसा नेकुकारों के लिए है और परहेजगारों के जेवर से मुझे आरास्ता कर दे और आइंदा आने वालों में मेरा जिक्र खैर और बाद में आने वाली नस्लों में मेरा जिक्र रोज अफजू बरकरार रख और साबिकून उल अव्वलून के महलो मकाम में मुझे पहुंचा दे और फराखी नेमत को मुझ पर तमाम कर
और उसकी मनफियतों का सिलसिला पहम जारी रख। अपनी नेमतों से मेरे हाथों को भर दे और अपनी गरा कदर बख्शिशों को मेरी तरफ बढ़ा दे। और जन्नत में जिसे तूने अपने बरगुजीदा बंदों के लिए सजाया है मेरे, मुझे अपने पाकीज़ा दोस्तों का हमसाया करार दे। और उन जगहों में जिन्हें अपने दोस्तदारों के लिए मुहैया किया है, मुझे उम्दा व नफीस अतियों के खिलत उड़ा दे। और मेरे लिए वो आरामगाह के जहां मैं इत्मीनान से बेखटके रहूं, और वो मंजिल के जहां मैं ठहरूं और अपनी आंखों को ठंडा करूं, अपने नज़दीक करार दे। और मुझे मेरे अजीम गुनाहों के लिहाज से सजा न देना, और जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे मुझे हलाक न करना। हर शक व शुबे को मुझसे दूर कर दे और मेरे लिए हर सिमत से हक तक पहुँचने की राह पैदा कर दे। और अपनी अताओ बख्शिश के हिस्से मेरे लिए ज़्यादा कर दे और अपने फजल से नेकी और एहसान से हज फरावा कर दे अता कर। और अपने हाँ की चीज़ों पर मेरा दिल मुतमईन और अपने कामों के लिए मेरी फ़िक्र को यकसू कर दे। और मुझसे वही काम ले जो अपने मखसूस बंदों से लेता है। और जब अकलें गफलत में पड़ जाएं उस वक्त मेरे दिल में अतात का वलवला समो दे। और मेरे लिए तवंगरी, पाकदामनी, आसाइश, सलामती, तंदरुस्ती, फराखी, इत्मीनान और आफियत को जमा कर दे। और मेरी नेकियों को गुनाहों की आमेजिश की वजह से और मेरी तन्हाइयों को इन मुफसिदों के बायस जो अज़राहे इम्तहान पेश आते हैं तबाह न कर। और अहले आलम में से किसी एक के आगे हाथ फैलाने से मेरी इज्जत व आबरू को बचाए रखना। और उन चीज़ों की तलब व ख्वाहिश से जो बद किरदारों के पास है मुझे रोक देना मालिक। और मुझे ज़ालिमों का पुष्ट पनाह न बना और ना अहकाम किताब के महव करने पर उनका नासिर व मददगार करार दे। और मेरी इस तरह निगहदाश्त कर के मुझे खबर भी ना होने पाए, ऐसी निगहदाश्त के जिसके ज़रिए तू मुझे हलाकत व तबाही से बचा ले जाए। और मेरे लिए तौबा और रहमत, लुत्फ व राफ्त और कुशादा रोज़ी के दरवाज़े खोल दे, इसलिए कि मैं तेरी जानिब रग़बत व ख्वाहिश करने वालों में से हूँ। और मेरे लिए अपनी नेमतों को पाया तकमील तक पहुँचा दे, इसलिए कि तू इनाम व बख्शिश करने वालों में सबसे बेहतर है। और मेरी बकिया उम्र को हज व उम्रे और अपनी रज़ा जुई के लिए करार दे। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले रहमत नाजिल कर। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक व पाकीज़ा आल अलैहिस्सलाम पर और उन पर और उनकी औलाद पर हमेशा हमेशा दुरूद व सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन।